हमारे साथ है वर्सेटाइल सिंगर कंपोजर रामजी गुलाटी, आइए बात करते हैं उनसे। रामजी स्वागत हो आपका bollywoodsun.com में। कहाँ से लाते हो इतना सारा हुनर सिंगिंग कंपोजिंग राइटिंग? मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है एंड आई हैव नेवर लर्नड सिंगिंग और राइटिंग और कंपोजिंग फ्रॉम एनीवन। बस ये एक अंदर की आवाज़ है जो जो मन में आता है वो लिख देता हूँ, जो धुन बनती है उसे कंपोज करके हम म्यूज़िक बना लेते हैं एंड गाता तो ठीक ही हूँ। सो दैट्स इट, आई थिंक जस्ट आई एम माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगता है करना और मुझे मज़ा आता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इसकी एक्सेप्टेंस मुझे मिली है एंड एवरीबडी लाइक्स इट। जैसे कि आपने कहा आपकी जो जर्नी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, ये जो कारवा है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, म्यूज़िक को आपने पैशन बना दिया, तो कैसे स्टार्ट किया आपने ये सब? मुझे स्कूल से ही शौक था लिखने का कंपोज करने का, तो आई हैव बीन राइटिंग एंड कंपोजिंग फ्रॉम माई स्कूल, लेकिन स्कूल में कभी हमें चांस नहीं मिला परफॉर्म करने का। बहुत कोशिश की हमने लेकिन माई स्कूल वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल, वी आर नॉट अलाउड इवन टॉक इन हिंदी, तो हिंदी गाना गाना वॉज लाइक अ सिन। सो हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की लेकिन हमें एनुअल फाइनल डे पे कभी गाने का मौका नहीं मिला एंड हम बहुत निराश हो गए थे, मैं और मेरा पूरा बैंड। एंड एक यही ड्रीम था कि हम बॉम्बे आएंगे एंड इसी में अपना करियर बनाएंगे एंड आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट एल्बम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फैंस एंड फ्रेंड्स एंड भगवान का काफ़ी शुक्रिया करना चाहूँगा कि माई फर्स्ट एल्बम गॉट टू नॉमिनेशंस इन द जीमा अवार्ड्स, विच इज़ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन म्यूज़िक फर्टिनिटी। तो इसमें एज अ बेस्ट डेब्यूटेंट भी मुझे नॉमिनेशन मिला एंड बेस्ट एल्बम का भी मिला, तो वहाँ से थोड़ा हौसला मिला कि यस आई थिंक आई कैन डू इट। फिर हमने मैंने मानकी जी ने एक एल्बम की थी गोपी ने मिलके दूर, जिसको बहुत सक्सेस मिला एंड द सॉन्ग्स वो प्लेड इंटरनेशनली ऑल्सो, जो और जिससे हमें बूस्ट मिला एंड देन वहाँ से जर्नी शुरू होते होते नाउ आई एम वर्किंग विद ऑल दी लीडिंग लेबल्स, टी सीरीज, जी म्यूज़िक कंपनी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ। लॉट ऑफ स्टफ हैज़ बीन रिलीजिंग दिस ईयर एंड सारे गामा के साथ काफ़ी रिलोडेड सॉन्ग्स भी आए हैं मेरे एंड आई एम सो हैप्पी कि यूट्यूब पे यू नो दे आर लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू माई सॉन्ग्स, वॉचिंग माई सॉन्ग्स एवरी डे एंड फाइनली वी हैव लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज एंड जस्ट थैंक यू एवरीबडी फॉर मेकिंग इट बिग। वाओ दैट्स रियली ग्रेट, अ ग्रेट जर्नी एक्चुअली। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो पुराने सॉन्ग्स थे काफ़ी पॉपुलर रहे, धूर का है या साडा अड्डा फिल्म का है, तो हम चाहेंगे कुछ उनमें से हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। लाइक फर्स्ट वी डिड धूर, हुन तत्तो मेरा दूर जान नू जी नहीं करदानी, अज तू मैनू कोल बिठा लै सीने ला लै, प्यार तेरे नाल पै गया हुन दस कादा परदानी नी कादा परदानी, हुन तत्तो मेरा दूर जान नू जी नहीं करदानी। देन आफ्टर दिस वी डिड धूप में ना चल, जो काफ़ी लोगों ने प्यार किया, सिंग दैट आल्सो। लगे टिप टॉप लैके गुच्ची वाला क्लच, मैनू वेख के कर दी है ब्लश, तू तो लगती है कैंट, त्रिदु भी मेरा फैन, धूप मेरा चल बेबी हो जाएगी टैन, मैं तो सारी लाइफ तेरे नाल कर ली प्लान, कर ली प्लान, धूप मेरा चल बेबी हो जाएगी टैन। देन फाइनली अब मेरा नया गाना आया है एंड इट्स ड्रीम गर्ल रिलीज ऑन जी म्यूज़िक, तो आप प्लीज़ सारे जाके उस गाने को सुने और कोशिश करके इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएं, सो यू लव द विजुअल्स एंड जी बिल्कुल, आपने तो एटमॉस्फेयर जैसे लाइव ही कर दिया, यू आर अनस्टॉपेबल। वैसे आप लिखते भी हो, तो आपने गाना लिखा हुआ है जिस पे संजय दत्त ने गाना गाया था, हाँ, तो कैसा लगता है जब संजय दत्त जी गाना गाते आपके लिखे हुए गाने पे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Experience was amazing, like you know, I could not believe it, wow, you know, this has happened. And Shabbir Ahmed and me, we had done this together for the movie department. So, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, यू नो, जैसे संजय दत्त सच अ बिग सुपर स्टार व्हेन ही सिंग्स अ सॉन्ग इन द फिल्म, तो बहुत अच्छा लगा एंड मेरी कोशिश यही भी है कि आगे भी 2018 में आप देखोगे मेरे काफ़ी बड़े सुपर स्टार्स के साथ मेरे गाने आ रहे हैं। सो माई फिंगर्स ऑल क्रॉस, जैसे आप प्यार देते आए हैं वैसे ही आगे भी प्यार देते रहिए एंड आई होप अप टू कीप एवरीबडीज एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि आपने जिक्र किया अभी कि आपका हाल ही में एक एल्बम भी रिलीज़ हुआ है ड्रीम गर्ल, तो इस एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली है ये?
ड्रीम गर्ल बेसिकली ये थॉट था कि मैं लड़कों की तरफ से एक लड़की के लिए गाना बनाऊँ, यू नो, टू मेक देम फील वेरी स्पेशल, यू नो, जैसे एक ड्रीम गर्ल होती है, व्हाट यू नो एक्सपेक्टेशन उसी है, जैसे लाइंस है, प्यार तेनू कि तक है मेरा कसूर, जितना भी तू हैगी मैनू मंजूर, लाइक आई लव द वे यू फॉर वॉट यू आर, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग इन यू, यू आर माई ड्रीम गर्ल. सो बहुत ही ह्यूमर है गाने में, एंड ऑल द गर्ल्स आर लविंग इट, एंड द बॉयज़ आर ओपनली सिंगिंग इट फॉर देम, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आई थिंक. इन 3-4 डेज वी रीच्ड ऑलरेडी अराउंड 5 lakh प्लस व्यूअर्स ऑन यूट्यूब, एंड फेसबुक पे भी कल जी म्यूज़िक ने अपलोड किया, एंड वी गॉट मोर देन 1 lakh व्यूअर्स हो देयर. सो एन अमेजिंग रिस्पॉन्स, सो थैंक यू एवरीबडी फॉर लविंग द सॉन्ग. बोलिए, जो रोमांटिक पैपी गाना है काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, हम चाहेंगे ये भी गाना है जो गा दीजिए दर्शकों के लिए. Baby, I'm a dream girl. Baby, I'm a dream girl. Baby, I'm a dream girl. हत्ता विच मोबाइल, मिलियन डॉलर स्माइल. कदी साडा नंबर भी करो डायल जी, हैगी जैगुआर, बथेरा हैगा प्यार. कदी साडे नाल भी राउंड लगवाओ जी, हैगे क्रेडिट कार्ड, करांगा पूरा लाड. चाहे जिन्ना मर्जी स्वाइप कराओ जी. Baby, I'm a dream girl. Baby, I'm a dream girl. Baby, I'm a dream girl. Yeah. वाह, आपने तो जैसे धूम ही मचा ली. वैसे कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, जैसे गाना ड्रीम गर्ल का गाना है, तो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप आगे करना चाहेंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट, इट्स लाइक अ ड्रीम, यू नो. एक बहुत ही अच्छा गाना हमने किया है श्वेता शर्मा, कनिका कपूर, हमने इस गाने को बनाया एंड शूट भी किया. एक डायरेक्टर गिफ्टी ने उसको शूट किया, लार्जर देन लाइफ. ही इज़ लाइक द लेजेंडरी डायरेक्टर, आई एम पर्सनल फैन ऑफ हिज. एंड सतीश कौशिक जी भी हैं वीडियो में, एंड ये आएगा जनवरी 2018. सो वी ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई होप दिस रियली टर्न्स आउट फॉर एवरीबडी. हमने देखा आप ज़्यादा एल्बम पे फोकस कर रहे हो, कमर्शियल फिल्मों से ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं है, मैं फिल्म्स भी कर रहा हूँ हैंड इन हैंड. काफ़ी फिल्म्स आप देखोगे जो नेक्स्ट ईयर आ रही है, एंड विद लॉट ऑफ बिग सुपर स्टार्स. सो यू विल सी अ डिफरेंट रामजी गुलाटी इन 2018, एंड ऑल माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विच हैव बीन पुटिंग ऑल दिस ईयर, जो फिल्म्स मैं सोचा था करना चाहता था, ऑल विल बी रिलीजिंग इन 2018. सो सिंगल्स में मुझे पसंद है, मैं आई डोंट कीप वेटिंग फॉर यू नो कि मुझे ये फिल्म में करना है या करना है. आई जस्ट लाइक डूइंग म्यूज़िक, तो मैं करते रहता हूँ. आई लाइक कोलैबोरेटिंग विद लॉट ऑफ आर्टिस्ट, लाइक देर इज़ अ कपल ऑफ आर्टिस्ट विच आई डिड इन 2017, लाइक वी डिड क्लब पब, अली कुली वॉज देयर, बोहेमिया पाजी, सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स, ऑन्टी सीरीज़ जो 10 million तक पहुँच गया गाना. Then I did a collaboration with Jasmine Sandlis, which is again we did a party number on Zee Music, जिसको ये बहुत सबने प्यार दिया, एंड आई थिंक वी आर अराउंड टच अराउंड 4 million व्यूज़ ऑन दैट. एंड आई वुड लव टू कोलेबरेट मोर विद, जैसे नेक्स्ट कनिका कपूर जी के साथ आ रहा है. वी हैव वी जस्ट डिड अ सॉन्ग फॉर सारेगामा विद हरीश मोयल, तुषार झूले एंड दिव्या अग्रवाल इज़ देयर द वीडियो. नाउ यू आर डूइंग वन विद सारा खान, which is again going to be releasing in 2018. So I love collaborating and you know doing multiple work. मैं ये नहीं सोचता यार अब एक गाना है, अब मैं 4 महीने के बाद एक गाना रिलीज़ करूँगा. मैं बस जो दिल से गाने बनते जाते हैं, जो अच्छे लगते हैं, बस उसको हम अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं एंड रिलीज़ इट विद द लेबल. एंड आज सिंगल्स का मार्केट भी है और सिंगल्स लोग सुनते हैं. इनफैक्ट फिल्म म्यूज़िक इतना नहीं चल रहा जितना सिंगल्स चल रहे हैं और सिंगल आर्टिस्ट चल रहे हैं. सो I believe I love being an artist, and जितना मैं कोशिश करता हूँ अच्छा म्यूज़िक बनाने की जो आम जनता को सबको पसंद आए, एंड यू नो दैट्स अबाउट इट. दैट्स ट्रू. एक्चुअली कोई ऐसा इंस्पिरेशनल सिंगर है जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो? मैं सारे सिंगर्स को इंस्पिरेशन मांगता हूँ, एंड आई थिंक यू नो हर सिंगर में अपनी एक यूनिकनेस है. हर किसी में कुछ ऐसा है जो आपका चुराने का मन करेगा. So I think every artist is an inspiration and every singer is an inspiration for or you know for me. That's what I believe. ऐसा कोई एक मेरा mentor नहीं है जिसको who I look up at, you know. I believe every artist has got something in him that makes him an artist. क्या दर्शकों को message देना चाहेंगे हमारे ज़रिए? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा गाना है ड्रीम गर्ल, एंड जैसे आपने सब गानों को सपोर्ट किया है, सो दिस इज़ वन सोलो सॉन्ग जो मैं 1.5 साल के बाद कर रहा हूँ. बाकी तो मैंने सारे कोलैबोरेशंस में किए, म्यूज़िक किया. सो ड्रीम गर्ल इज़ माई सोलो सॉन्ग आफ्टर
वन ईयर, सो इस बार आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए गाने को, एंड प्लीज़ गो लाइक कमेंट शेयर एंड स्प्रेड इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए जाते 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 एक और बार ये गाना जो है दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। ओके। हत्ता विच मोबाइल मिलियन डॉलर स्माइल कदी साडा नंबर भी करो डायल जी हैगी जैगुआर बथेरा हैगा प्यार कदी साडे नाल वी राउंड लगवाओ जी हैगे क्रेडिट कार्ड करांगा पूरा लार चाहे जिन्ना मर्जी स्वाइप कराओ जी बेबी यू माय ड्रीम गर्ल बेबी यू माय ड्रीम गर्ल बेबी यू माय ड्रीम गर्ल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो ये थे रामजी गुलाटी जिनके गाने महफिल की शान बनते हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ विदिता प्रताप, बॉलीवुड सन.com मुंबई।